हेलो एवरी वन टूडे इट इज डे फोर्टी सेवन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ ग्रेड फोर एंड टूडे कंटिन्यू अवर चैप्टर एट इट इज पैराग्राफ द मैन द द बॉय एंड डंकी ओके लेट्स स्टार्ट ए मैन एंड ही सन वर गोइंग देयर डंकी टू द मार्केट एक आदमी अपने बेटे के साथ में और डंकी के साथ में मार्केट जा रहा था एज दे वर वॉकिंग अलोंग बाय इट्स साइड ए कंट्री मैन पास यू फोल्स वी फॉर बट यू राइड टू राइड अपॉन तो जो कंट्री में यानी गाँव वाले जो जा रहे थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में डंकी है फिर भी आप लोग ऐसे ही जा रहे है सो द मैन पुट द बॉय ऑन द डंकी एंड देंट ऑन देयर वे तो उस आदमी ने क्या किया अपने बेटे को उस डी के ऊपर बिठा दिया बट सून दे पास ग्रुप ऑफ मैन वन ऑफ होम सैड सी दैट लेजी यंगस्टर ही ही लेट्स हिज फादर वॉक तो कुछ आदमियों का ग्रुप जा रहा था उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये कितना लेजी नौजवान है जो कि डंकी पे बैठा है और फादर ऐसे ही जा रहा है द मैन ऑर्डर्ड हिज बॉय टू गेट ऑफ एंड गॉट ऑन हिमसेल्फ तो बॉय ने <coughs> उस आदमी अपने बेटे को नीचे उतारा और खुद उसके ऊपर बैठ गया बट दे दे पास टू वुमेन वो दूर नहीं गए थे उससे पहले ही दो वुमेन वहां से गुजरी वन ऑफ होम सैड टू दूसरे से कहा शेम ऑन दैट लेजी लाउड टू लेट हिज पुअर लिटिल सन ट्रग अलोंग तो उसने कहा कि ये खुद तो कितना आलसी है जो तो इसके ऊपर बैठा है और बेचारा बच्चा ऐसे ही जा रहा है द मैन डिडंट नो व्हाट टू डू तो आदमी यह नहीं जान पाया कि वह क्या करे एट लास्ट ही टुक हिस्स बॉय अब बिफोर हिम ऑन द डंकी तो उसने अपने आगे अपने बेटे को भी बिठा लिया बाय दिस टाइम दे हैड कम टू द टाउन फिर वो टाउन के अंदर आए एंड द पासर्स बाय बिगेन टू जीर एंड पॉइंट एट दैम फिर से वो गांव वाले उनके ऊपर हंसने लगे उनका उपहास करने लगी द मैन स्टॉप एंड आस्क वॉट दे वर्स कॉफिंग एट यानी कि वो उनका उपहास क्यों कर रहे हैं द मैन सेड आर एंट यू आर अशम ऑफ योर सेल्फ फॉर ओवरलोडिंग दैट पुअर डंकी विथ यू एंड योर सन तो साधु ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम लोग ही डंकी के ऊपर खुद और खुद के बेटे को बिठा रखा है द मैन एंड द बॉय गॉट ऑफ एंड वॉट टू डू बॉय और वो मैन वहां से उतर गए और वो आश्चर्य करने लगी कि क्या करे एट लास्ट दे कट डाउन ए पोल उन्होंने एक लकड़ी काटी टायर दिट टू इट एंड रेस्ट द पोल टू देअर शोल्डर्स फिर उन्होंने डंकी को उसके ऊपर बांधा और उसके पोल के किनारों को अपने शोल्डर्स पे रखा दे वैंड अलोंग अमेट द लाफ्टर टू ऑल हु हुट देम जो भी उनको व्याज से मिलता वो उनके ऊपर हंसता फाइनली दे कैंप टू ए ब्रिज वेयर द डंकी गेटिंग वन ऑफ हिज फिट लूज जहां पे उस डंकी का एक फिट थोड़ा लूज हो गया out से किक आउट मारा एंड कॉज द बॉय टू ड्रॉप हिज एंड ऑफ द बॉय और बॉय बॉय के के किनार कंधे से उसका लकड़ी का किनारा गिर गया इन द स्ट्रगल द डंकी फेल ओवर द ब्रिज और उस स्ट्रगल में डंकी उस ब्रिज में गिर गया बिकॉज हिज फिट वर टायर टुगेदर हिट डाउन और उसके पांव बंद हुए थे इसलिए वो उसमें डूब गया दैट विल टीच यू लेसन इसे तुम्हें एक शिक्षा मिलती है सैड एंड ऑल मैन एक हैड फॉलोड ट्राई टू प्लीज ऑल एंड यू विल प्लीज नन दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हो नाउ ऑन पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स इट इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस पैराग्राफ यू हैव टू फिल योर आंसर्स एंड यू find these answer, these questions answer in this paragraph okay